नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्लास टेंथ में केमिस्ट्री में हम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसिड्स की, एसिड्स हैव कोरोसिव नेचर। ओके, देखिए आपने देखा होगा एसिड्स क्लोथ पे, वुडन ब्लॉक पे या मेटल के स्ट्रक्चर पे जब गिर जाते हैं या मेटल के वेसल्स में अगर आप एसिड को स्टोर करके रखोगे तो मेटल का बर्तन खराब हो जाता है जो वेसल है ना, या आपके स्किन पे अगर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स गिर गए हैं तो वो उतने स्किन को बर्न कर देते हैं। ठीक है, तो वी कैन से दैट दे आर हाईली कोरोसिव इन नेचर। ओके, इसलिए देखिए यहाँ पे मैंने नोट किया हुआ है कि एसिड्स को कभी भी आप मेटल के कंटेनर में स्टोर नहीं करेंगे। ओके, तो उसको किसमें स्टोर करना है, ग्लास या सेरेमिक्स के कंटेनर में। ओके, उसके बाद आपको कोई भी लैब में ऐसी बॉटल दिखाई पड़ती है अगर ग्लास की जिसमें ऐसा साइन बना हुआ है, ये देखिए ये हैजार्ड वार्निंग। ओके, तो आपको उसको ध्यान से यूज करना है। ठीक है, ये कोरोसिव नेचर के लिए ऐसा एक हैजार्ड वार्निंग बना होता है। ओके, या यहाँ नीचे ऐसे करके हाथ बना रहेगा ऐसा। ओके, और ऐसा 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 साइन होता है। ठीक है, तो और यहाँ से ऐसा कट होता है, इसका मतलब क्या है कि जिस बोतल पे ऐसा स्टिकर लगा हुआ उसको ध्यान से आपको यूज करना है। ओके, हो सके तो ग्लव्स पहन ले, ठीक है ना, बिकॉज दे में भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स और दे में भी कॉन्सेंट्रेटेड बेस। कॉन्सेंट्रेटेड बेस में देखिए एग्जाम्पल मैंने लिख लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी कोरोसिव इन नेचर होता है। ओके, तो इस तरीके से इसका आपको ध्यान रखना है, ये छोटा सा टॉपिक है। ओके, इसके बाद देखिए एक्सरसाइज हम देखते हैं, क्वेश्चन सुनिए क्या बोला जा रहा है आपसे। मेटल कंपाउंड कैपिटल ए, वी डोंट नो हु इज कैपिटल ए। मेटल कंपाउंड कैपिटल ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके, टू प्रोड्यूस एफोवेसेंस। बताइए कौन सी गैस एफोवेसेंस के साथ निकलती है? हाइड्रोजन। नो, नो, कौन बताएगा कौन सी गैस एफोवेसेंस के साथ निकलती है? बुदबुदाहट की आवाज के साथ कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। यस, तो आपको बोला जा रहा है कि कोई कंपाउंड ए है, वी डोंट नो, वो कंपाउंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो देयर इज एनी कंपाउंड कैपिटल ए और वो कंपाउंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके एक एफोवेसेंस वाली गैस देता है, मतलब एक ऐसी गैस निकलती होगी जो बुदबुदाहट के साथ निकलती है, बुदबुदाहट की आवाज के साथ निकलती है। ओके, बताइए वो गैस कौन सी होती है? सबसे पहले तो ये पहचानोगे आप, यहाँ पे हो गया ये CO2। ठीक है, उसके बाद सुनिए क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल। ओके, मतलब जो गैस इवॉल्व होती है एफोवेसेंस के साथ वो जलती हुई कैंडल को बुझा देती है, और आपको पता है CO2 बर्निंग में सपोर्ट नहीं करती है, तो पक्का पता चल गया कि कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करके लिखना है। बताइए ये कंपाउंड ए कौन हो सकता होगा? कैल्शियम कार्बोनेट, वेरी गुड। ठीक है, रिएक्शन याद है आपको, हालांकि मैंने आपको जानबूझ के नहीं बताया, आगे भी क्वेश्चन में बताया जा रहा है, बोला जा रहा है कि इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड, वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म इज कैल्शियम क्लोराइड, एक कंपाउंड कैल्शियम क्लोराइड भी बनता है CaCl2। ओके, अब आपको ये रिएक्शन बतानी है, बताइए यहाँ पर कौन होगा, CO2 कब निकलती, जब कार्बोनेट होता है। ठीक है, तो CO3 2 माइनस रहा होगा और साथ में यहाँ से आप कैल्शियम उठाएंगे Ca2+, तो दोनों मिलाकर क्या बना देगा CaCO3। इसलिए जो A कंपाउंड था वो क्या था, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, नाउ इज इट बैलेंस, बताइए बैलेंस है क्या रिएक्शन, हाँ कैसे बैलेंस करेंगे। अच्छा, इसके फेज लिख देते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस फॉर्म में होगा, कैल्शियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में सॉल्यूशन मिलेगा आपको। अभी क्या कंप्लीट हुई है ये, नो, वाटर भी निकलता है इस रिएक्शन में, याद है आपको। ठीक है, ये वाटर निकल जाएगा यहाँ से H2O लिक्विड फॉर्म में। नाउ और कार्बन डाइऑक्साइड कौन से फॉर्म में निकलेगी, गैस के फॉर्म में। ये
बैलेंस रिएक्शन है। इस तरीके से रिएक्शन से याद रखिए, और निकलने वाली गैसेस या बनने वाले सॉल्ट्स का के बारे में इंफॉर्मेशन रखिए, या कोई प्रेसिपिटेट बन रहा है उसका कलर याद रखिए, बिकॉज आपको ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाएंगे घुमाकर। ओके, तो आपको सब कुछ याद होना चाहिए, गैस की प्रॉपर्टीज, कलर प्रेसिपिटेट के, ठीक। ओके, क्या ये बैलेंस है? बताइए कैसे बैलेंस होगा। हाँ, बस एससीएल के आगे टू लगा दो, बैलेंस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रश्ड एग शेल्स। अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रश्ड एग शेल। कोई सॉल्यूशन है, पता नहीं क्या है, वी डोंट नो, कोई सॉल्यूशन रखा हुआ है, और ये जो एग का शेल होता है, एग के शेल में क्या होता है, पहले कैल्शियम कार्बोनेट। वेरी गुड, तो एग के शेल में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपको यहाँ पहचानना आना चाहिए, मैंने आपको क्लास में बताया भी था। अब बोला जा रहा है जब ये सॉल्यूशन इस पे आप गिराते हो ऐसा, तो जो रिएक्शन होती है आपको एक गैस मिलती है, उस गैस का नाम नहीं बताया गया, बोला गया ये गैस लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, CO2 गैस मिलती होगी, मतलब द रिएक्शन विल बी सेम, द रिएक्शन विल बी सेम ना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सॉल्यूशन में क्या रखा हुआ है, बताइए। HCl, yes, HCl का एक्वा सॉल्यूशन रखा हुआ है, कोई दिक्कत है? कैसे, क्या क्या बताया गया था, कोई सॉल्यूशन है, डोंट नो, नाम नहीं बताया गया सॉल्यूशन का, HCl आपने लैब में देखा होगा, HCl का सॉल्यूशन, ठीक है, बोला गया है कि क्रस्ट एग शेल्स है, तुरंत आपको पहचानना चाहिए एग शेल्स में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, उस पे आप डालते हैं, ठीक है, तो एक केमिकल रिएक्शन होती है, या इन दोनों में केमिकल रिएक्शन होती है, तो एक गैस इवॉल्व होती है, वो गैस लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, तो कौन सी गैस लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मतलब रखा गया सॉल्यूशन क्या है, HCl, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था ये। ओके,